जगायचन कोणासाठी अन कशासाठी, माणूस जन्माला येतो छोटा सा बच्चा बड़ा होता है, आगे सुख दुहक के कई तूफान झेलता हुआ जिंदगी जीता है। पर क्यों जीते हैं जिंदगी, किस लिए जीते हैं और किसके लिए जीते हैं, इसका जवाब किसी को नहीं पता होता। पेट की आग बुझाने के लिए पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करता है, पैसे कमाने के लिए कहीं भी नौकरी करता है, छोटे मोटे काम करता है, मजदूरी भी करता है। पहले 80-90 साल जिंदगी जीते थे, अब 60-70 साल जीते हैं और मर जाते हैं। मरने के बाद घर वाले रिश्तेदार 4 दिन रोते हैं और भूल जाते हैं। मरने के बाद दुनिया में हमारा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाता है। हम कितने भी अच्छे क्यों ना हों, मरने के बाद हमारी याद 10-15 दिन तक ही रहती है, क्योंकि हम जीते हैं तो बस अपने परिवार के लिए। तो फिर जीना किसके लिए? तो जीना है तो समाज के लिए। आप दुनिया की कौन सी समस्या दूर करते हैं? आप क्या बनाते हैं? आप किसी के काम आते हैं क्या? इसी को आपका करियर कहते हैं। तो आप खुद से आगे बढ़ाकर जब सोचते हैं तो उसे शिक्षा कहते हैं। करियर का मतलब सिर्फ नौकरी पाना या बिजनेस में तरक्की करना नहीं होना चाहिए। समाज के बारे में सोचकर जीना ही असली जिंदगी है। बहुत पैसा, गाड़ी, बंगला, जेवर हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो इंसान अमीर है। अच्छे स्वभाव वाला, अच्छे विचारों वाला इंसान ही असली अमीर होता है। पैसा, गाड़ी, बंगला, ये तो बस कुछ देर का और दिखावटी सुख हैं। इनमें से एक भी चीज आप अपने साथ मरने के बाद नहीं ले जा सकते। साथ जाते हैं आपके कर्म, आपके लिए समाज का प्यार और सालों साल याद रखी जाने वाली आपकी यादें। यही आपकी असली कमाई है। आज तक किसी पैसे वाले इंसान को याद किया हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन समाज के लिए जीने वाले साधु संत और कई महान समाज सेवक आज भी हमारी यादों में हैं, क्योंकि वो जीते थे समाज के लिए। उन्होंने समाज को कुछ दिया, इसलिए आज तक उनकी यादें जिंदा हैं। उदाहरण के लिए संत गाड़गे बाबा, क्या था उनके पास? बस हाथ में एक झाड़ू, सर पर टूटा हुआ मटका और बदन पर फटा हुआ कुर्ता। पैसे की तो बात ही नहीं थी, जेब में एक पैसा तक नहीं रखते थे। गांव साफ करते फिरते थे और किसी के द्वारा दिया हुआ एक टुकड़ा रोटी खाकर जिंदगी जीते थे। लेकिन उन्होंने दुनिया को अनमोल शिक्षा दी सफाई की और अंधविश्वास मिटाने की। इन्हीं विचारों के कारण आज वो अमर हो गए। हम भी समाज के लिए ऐसा कुछ करते हैं क्या? समाज को कुछ देते हैं क्या? भले ही हमारी महानता साधु संतों जितनी ना हो कि लोग हमें सालों साल याद रखें, लेकिन एक पीर ही तो याद रखे, ऐसा काम करके दिखाना चाहिए हर किसी को। एक दूसरे से नफरत करके, गुस्सा करके जिंदगी बिताने से अच्छा है कि अच्छे से जीना सीखो। जिस परिवार के लिए आज हम जीते हैं, जिन बच्चों को छोटे से बड़ा करते हैं, वही बच्चे बुढ़ापे में आपका ख्याल रखेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बूढ़े होने पर माँ बाप कोई काम नहीं करते, इसलिए उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। बस ये सेंध है, बचपन की तरह आपका बुढ़ापा नहीं बीतेगा। बचपन में लाड़ प्यार मिलता है तो बुढ़ापे में तकलीफें और परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जिन बच्चों के लिए जीते थे, वही बच्चे एक पल में पराए कर देते हैं। ये सब के बाद जिंदगी के आखिरी पल में सवाल आता है कि आखिर हम जिंदगी भर जीते किसके लिए हैं? समाज के लिए जियो, दान पुण्य करो, योग प्राणायाम करो, ध्यान करो, भूखे लोगों को खाना दो, अपने व्यवसाय के मुनाफे का कम से कम 1% गरीब लोगों के लिए खर्च करो, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद करो, खुशी से जियो। घूमने का मन हो तो खूब घूमो। बुढ़ापे में घूमने का मन होगा तो आपका शरीर साथ नहीं देगा, इसलिए जब तक शरीर तंदुरुस्त है तब तक सब देख लो, घूम लो। दुनिया में आए तो अकेले थे, लेकिन जाते वक्त सबके होकर जाना ही जिंदगी को सफल बनाता है।